मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बार क्या हुआ, अभी 4 दिन की बात है, सारा खेल एटीट्यूड गया आपका। मैं और मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, ही इज वेरी सीनियर पोजीशन इन इंडिया, इंडिया लेवल बहुत सीनियर पोजीशन पे, तो हम लोग साथ गोल्फ की कोचिंग के लिए जाते हैं। अब कोचिंग जो है, जैसे किसी भी आप टाइप के टीचर के पास, वो सब एक ही प्रकार के होते हैं। टीचर्स जो टीचर एटीट्यूड पकड़ते हैं बेसिकली, कि बच्चा सीखना चाहता है नहीं सीखना चाहता। एक बार है ना, क्या कहते हैं, मेरा जो फ्रेंड था, हमें कॉम्पिटिशन था कि कौन बॉल फुट करेगा जल्दी से जल्दी, 2-3 शॉट में। हम नए नए खेल रहे थे, उसका अच्छा हाथ लगा और बॉल मारी, बॉल बिल्कुल पास आ गई, यानी कि अगले शॉट में उसकी जीत तय थी बिल्कुल। और मेरा शॉट, उससे पहले मैंने अपना शॉट खेला था, मेरा शॉट थोड़ा दूर था। अब क्या हुआ, अब वो खुश हो गया मेरा फ्रेंड, क्योंकि मेरा शॉट दूर था, उसका शॉट काफी पास था, वो अगले शॉट में उसे जीतना ही था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने ऐसा शॉट मारा ना कि पहली बार में ही चला गया। मेरे टीचर ने एक चीज बोली, यार हार मानने वाला एटीट्यूड नहीं आता यार, ये गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला कितना ही बढ़िया खेले, मैच को जीतने के हिसाब से खेलना है आपको।